वेरी गुड, यू एंजॉय इट? ओके, अभी ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए ना, फ्रीडम चाहिए. अभी आपको मालूम है फ्रीडम क्या होता है? सुना होगा पर मालूम नहीं होगा. कभी पानी पूरी खाया नहीं तो क्या टेस्ट कैसे पता चल गया कैसा होता है? कितना भी उसका तुम डिस्क्रिप्शन दो किसी को, किसी ने कभी जीवन में खाया नहीं है तो उसको क्या मालूम पड़ेगा क्या है? आप सबको कैसे मालूम पड़ेगा फ्रीडम क्या है? सही बात है भाई. इसीलिए हम आपको बताएंगे सब, पर जब आप मिलेगा ना तो आप सोचोगे इतना देरी क्यों कर दिया. जब जब एक्चुअल मिलेगा बाद में लगेगा इतना अच्छा है तो इतना देर क्यों किया इसके लिए, राइट? तो फटाफट करना है फ्रीडम. तभी देखो, दिस इज अ टीम बिल्डिंग बिजनेस. टीम बिल्डिंग का है, टीम बिल्ड करने का बिजनेस है बस. टीम इज एज गुड एज इट्स प्लेयर्स. बराबर, टीम के ऊपर, टीम किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके प्लेयर कैसे है. देखो अभी आईपीएल अभी भी खत्म हुआ, राइट? चेन्नई सुपर किंग क्यों जीत गई? क्यों? उन्होंने अच्छे प्लेयर सिलेक्ट किए. सही बात है कि नहीं, राइट? इट्स ऑल अबाउट सिलेक्टिंग राइट प्लेयर्स, राइट? नाउ जब तुम प्रोफेशनल टीम बनाते हो और जब स्कूल में टीम होता है, फर्क होता है कि नहीं? स्टील में क्या होता है, किसको क्रिकेट खेलना है आ जाओ सब लोग. अपनी गली का क्रिकेट क्लब कैसा होता है? तुम्हारे पास बैट है, आ जाओ बस, राइट? सही बात है कि नहीं, राइट? और बैट वाला बोलेगा पहला दाव तो मैं ही लूंगा बस. और मेरे गली में एक था, वो थोड़ा पैसे वाला था, तो उसका बॉल उसका होता था, उसका बैट भी उसका होता था. तो पहले दाव लेगा, फिर जैसे वो आउट हो जाएगा बैट लेके चला जाएगा. अरे बाप रे. तो फर्क नहीं. तो टीम ऐसे बनाने का है भी, हमको जीतना है. सही बात है, फ्रीडम करना है, हमको जीतना है. तो टीम कैसे बनाओगे? मालूम होना चाहिए हमको कैसे प्लेयर चाहिए, राइट? तो ये जो प्रोसेस है कुछ नहीं है, बस ये टीम सिलेक्ट करने का है. हर एक को नहीं बोलने का आ जाओ बिजनेस में, सबको साइन करवा दो. ऐसा करने से वो गली की क्रिकेट क्लब हो गई तुम्हारी, उसमें वो टीम कभी जीतेगी नहीं. और प्लेयर बदलते रहने पड़ेंगे. एक प्लेयर थक जाएगा, मैं तो घर जाता हूं, अभी दूसरा प्लेयर गुनो, अरे रमेश आ जा खेलने के लिए. तो कोई डिफरेंस कोई नहीं है. जस्ट पहले हम किसी को भी कन्विंस करते थे आने के लिए, अभी उसका सिलेक्शन करना है, बस वो ही चीज है. क्योंकि हमको ऐसा सी गोइंग डायमंड क्या है? डायमंड इज नथिंग बट सिलेक्टिंग अ गुड सिक्स प्लेयर्स, राइट? तो अभी छह कैसे सिलेक्ट करोगे? कि भी जो हमको उस पर विश्वास है कि भी ये तो करेगा. सही बात है, राइट? किसी को हम स्पॉन्सर करते हैं तो उसमें देखना तो चेक भी है, आदमी में प्लेटिनम जाने का के लिए जो कुछ चाहिए वो है या नहीं, वो तो चेक करना पड़ेगा. नहीं कहीं अपने नौकरी में भी जब इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यू वाले आपको सब सवाल जवाब करते हैं, राइट? कि भाई इसके पास कुछ जो नौकरी के लिए जो चाहिए वो है कि नहीं, वो तो कंफर्म करेंगे कि नहीं. हमको कोई अकाउंटेंट को नौकरी में रखते हैं तो कोई इंजीनियर को तो नहीं घुसा देंगे, भी इंजीनियर है चलो आ जा फिर भी. सही बात है, राइट? सही बात है कि नहीं, राइट? तो हम क्यों ऐसे हर एक आदमी को क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं बस? सही बात है कि नहीं? अभी उसको बिजनेस ही करना है, जस्ट कुछ प्रोडक्ट ले खरीदना है, खुद यूज करना है, थोड़े पैसे बना, उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए. पर जब हम उनको प्लेटिनम के लिए जब रेडी करना है तो उसमें क्वालिफिकेशन चाहिए कि नहीं? सही बात नहीं. तो ये प्रोसेस दूसरा कुछ है नहीं, कोई ऐसा नहीं समझना कोई नई चीज है. जो हम करते थे वो ही है, पर पहले हम किसी को भी आ जाते थे, बाद में हम प्रोजेक्ट लेके थे उनको सिखाने का और उनको तैयार करने का, राइट? तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता दूं, और कैसे वो सिलेक्ट करना है. तो अभी हमको एक चीज तो मालूम है, हमको जो छह आदमी हम पिक करेंगे, पहली चीज तो मैं वो ही देख रहा हूं कि इस पे मैं भरोसा कर सकता हूं कि नहीं. क्योंकि फ्रीडम कब आएगा कि भी ऐसे छह आदमी गए प्लेटिनम हुए, आपको भरोसा भी होना चाहिए कि हर साल प्लेटिनम रहेगा. एक साल प्लेटिनम हो गया तो कुछ नहीं होगा ना, हर साल रहेगा फिर इनकम आएगी ना, राइट? अभी मान लो कि हमने नौकरी कर रहा था, फिर नौकरी छोड़ दिया क्योंकि बिजनेस बड़ा हो गया. दो साल बाद भी आदमी छोड़ दिया तो फिर मुंह में क्या दोबारा नौकरी तो मिलेगी नहीं अभी, राइट?
सिक्योर तो होना चाहिए ना। तो एक ही चीज मैं तो देखता था, कभी भी किसी को मैंने देखा कि ये मेरा प्लेटिनम लेग उसको तैयार करना है, तो एक ही सवाल मेरा होता है, क्या मैं मेरे फैमिली की जिम्मेदारी इस आदमी पे रख सकता हूँ? वो सवाल मुझे पूछना है बस अपने आप को, क्या आई कैन डिपेंड ऑन दिस पर्सन फॉर माई फैमिली टू सर्वाइव? सही बात है कि नहीं? वो रिलायबल तो चाहिए कि नहीं? वो ही है, हम किसी का स्किल नहीं देखना चाहते, वो तो हम सिखाएंगे, माइंडसेट चाहिए। इसका माइंडसेट क्या है, माइंडसेट क्या चाहिए, तो उसके लिए क्या-क्या होना जरूरी है? पहले तो हम खुद को मालूम होना चाहिए कि भाई हम क्या क्वालिटी ढूंढते हैं। सही बात नहीं? कहीं भी कुछ है तो कुछ क्वालिफिकेशन तो होना, कि भाई ये चीज अभी शादी करने भी जाते हो तो होता है ना, लड़की में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, होता है कि नहीं? किसका शादी नहीं हुआ, 24 घंटा वही सोचते हो ना? हाँ? और किसी पहली लड़की मिल गई उसको बोलता है चलो आ जाओ, नहीं करेंगे? लड़की लोग, आप भी कोई पहला लड़का मिला उसको बोले आ जाओ बस, हाँ? कुछ करेंगे ना, भाई ये हमारे जमेगी नहीं जमेगी, उसके भी साथ भी, अभी हमारे जमाने में तो अलग था, यू नो, जो सिलेक्शन प्रोसेस पेरेंट्स करते थे, हम नहीं करते थे, हमने आउटसोर्स कर दिया था, राइट? बट अभी सब लोग खुद करते हैं, हाँ? तो डेटिंग वगैरह करते हैं, राइट? क्यों? तो भाई देखते हैं भाई हमको जो चाहिए वो है कि नहीं, राइट? तो बस यही प्रोसेस है, बस उसमें एक बीबी ढूंढना है, इसमें 6 पार्टनर ढूंढने का, बस उतना फर्क है बस, सही बात? उस और इसमें कोई अलग चीज नहीं है। तो पहले तो नक्की करते हैं भी हमको क्या क्वालिटी चाहिए, कौन कौन सा माइंडसेट किसका है जो प्लेटिनम जा सकता है और प्लेटिनम से भी आगे जा सकता है। सही बात नहीं? तभी सिक्योरिटी आती है ना। तो सो यू रिमेम्बर आई केम विद एक्रोनिम, सो यू कैन रिमेम्बर, राइट? एवरीबडी यूज हैशटैग, राइट? ऑल द यंग गाइस, सो हैश HASH, राइट? तो H फर्स्ट, यू नीड हंग्री पीपल, राइट? तो आपको याद रहेगा वी आर लुकिंग फॉर अ हैश पीपल, सो H इज हंग्री, अभी हंग्री होना चाहिए, कुछ जरूरत होनी चाहिए ना उसकी, हाँ? किसी आदमी को भूख नहीं लगी है तो उसको क्या फर्क पड़ता है खाना कैसा है, हाँ? तुम कितना भी उसको डिस्क्रिप्शन दोगे अच्छा खाना है आप खाओ आपके लिए है आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे ट्राई तो करो थोड़ा, ऐसे हम स्पॉन्सरिंग करते हैं ना अभी तो, हाँ? अरे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बिजनेस, आ जाओ आ जाओ, अरे मुझे नहीं करना, कोई बात नहीं साइन कर दो बस, बाद में सब मैं कर लूंगा, ऐसा होने से अभी ये आदमी प्लेटिनम जाएगा जाए नहीं जाएगा कोई मालूम नहीं है, राइट? अभी आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, मान लो कि आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है कोई स्टॉक में कोई कंपनी में, राइट? तो पूरा देखोगे ना कंपनी के बारे में कभी, इसमें इन्वेस्टमेंट करने जैसा है कि नहीं, देखोगे कि नहीं, हाँ? राइट? आपको शायद मालूम नहीं तो कोई जानकार से जो फाइनेंशियल पर्सन है उससे पूछोगे, राइट? कि भाई क्या ऐसा कुछ जानबूझ के ऐसा इन्वेस्टमेंट करोगे जहां आपको मालूम है कि भाई 6 महीने में कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, उसमें कभी इन्वेस्ट करोगे तुम? तो फिर ये मालूम है आदमी 6 महीने में छोड़ देगा, उसमें क्यों इन्वेस्ट करते हो? सवाल करो अपने आप को, हाँ? इतना टाइम क्यों बर्बाद करने का 6 महीना, मालूम है कि भी आदमी करने वाला है नहीं, तो फिर उसको पहले से भी ना बोल दो ना, हाँ? राइट? नहीं, बात नहीं। तो बस वो थोड़ा माइंडसेट चेंज करने का है, राइट? तो जैसे इन्वेस्टमेंट में हम करते हैं कि जानबूझ के, यहां हम क्या इन्वेस्ट करते हैं? टाइम, राइट? टाइम हैज अ मोर वैल्यू देन मनी, हम यू नो दैट, राइट? मनी तो कहीं से भी दोबारा आ सकता है, टाइम कभी आ सकता है? किसी के पास 1 साल लगा दिया, आप में कैसे होंगे जिसने किसी को स्पॉन्सर किया, 1-2 साल मेहनत किया, आज वो आदमी यहां भी नहीं है, होगा कि नहीं? तभी क्या हुआ, 2 साल का नुकसान हुआ ना, हा? तो वो आदमी ने पहले से ना बोला तो कितना फायदा होता, हा? आपका 2 साल बच जाता ना, बस ऐसे देखने का है, हा? और यू आर बिकमिंग अ सिलेक्टर, राइट? यू आर सिलेक्टिंग, सो सिलेक्शन में क्या होता है, यू शुड बी सेइंग नो टू अदर पीपल, अदर पीपल शुड नॉट से नो टू यू, हमको कोई ना नहीं बोलता, हम उनको ना बोलते हैं, वे तुम्हारे लिए नहीं है, राइट? तो उसमें हमारा भी सेल्फ इमेज बढ़ता है कि नहीं, हा? तो बस वही डिफरेंस है, डिफरेंस कोई नहीं है, यू नो, सिलेक्ट फ्यू आदमी करो, अवर बिजनेस इज नथिंग बट अबाउट टॉक टू मैनी टू फाइंड फ्यू, बहुत सारे लोगों से बात करो, उनमें से फ्यू को सिलेक्ट करो, फिर उसके पास अपना एनर्जी डालो, और ऐसा नहीं कि भाई जो सब ट्रेन आदमी आएंगे, ऐसा उनका माइंडसेट ही चेक करना है,
भी उसको जरूरत है कि नहीं, पहले बात, और वो जरूरियत के बारे में सीरियस है कि नहीं, राइट। कोई आदमी अपनी जगह खुश है तो उनको फिर कितना भी तुम कन्विंस करोगे बिजनेस बारे में, आएगा ही नहीं ना, सही बात नहीं, राइट। तो बस वही पहले चेक करना है, डू यू हैव अ नीड, समझ गया, एज फॉर हंगरी, समझ में आया क्या। तो जो भी तुम बातचीत करते हो, हम बोलते हैं यू नो टर्म डोंट वरी अबाउट, हम बोलते हैं DTM, यू नो क्या ड्राफ्ट द मैसेज बोलेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे, उसका एक ही मतलब है कि कॉन्वर्सेशन में ये फाइंड आउट करना है कि उसका कुछ जरूरत है कि नहीं, सही बात है कि नहीं, राइट। दूसरी बात तो इनको, मान लो कि सिंगल लोग आपको लड़की को बात करो, लड़की को पहले पूछोगे भी शादी का इरादा है कि नहीं, फिर आगे बात करें ना। लड़की बोलते मुझे कभी शादी करना ही नहीं जीवन में, तो उसके साथ डेटिंग करके करोगे क्या तुम, सही बात है कि नहीं, राइट। वो ही है, दूसरा कोई चक्कर नहीं है इसमें, सही बात, राइट। अभी तो पहले ये चीज हंगरी, एज फॉर एम्बिशियस पीपल, एम्बिशियस होना जरूरी है। अभी एम्बिशन लेवल कैसे, उसको डिफाइन कैसे करोगे, तो मेरा तो वेरी सिंपल है, यू नो एम्बिशियस आदमी होता है ना, वो कभी कंटेंट नहीं होता, कहां भी पहुंचता है उसको उससे भी आगे जाना है, कभी आगे, तुम देखो अंबानी है कितना बड़ा, फिर भी कुछ ना कुछ नया निकालता रहेगा, इसको एम्बिशन लेवल बोलते हैं, कि आगे जाने का उसको हमेशा वो देखता है, यहां से मैं अभी आगे कहां जाऊं, यहां तो मैं आ गया, यहां से कहां जाऊं। तो वो जो एम्बिशियस आदमी होता है ना, हमेशा अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहता है, उसके पास जो ड्रीम है उसको हासिल करने के लिए वो जो भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार होता है। और 80-20 का रूल होता है, 100% पीपल हंगरी होते हैं, कोई ऐसा नहीं है हंगरी नहीं है, हर एक को टाइम मनी सिक्योरिटी तो चाहिए ना, राइट। बट उसके लिए काम करने के लिए 20% रेडी है बस। तो 20% पीपल आर एम्बिशियस, 80% आर लेजी, दे आर बोथ ड्रीमर्स, सही बात ना, दोनों का ड्रीम है बट 80% लेजी है, हमको लेजी नहीं चाहिए, राइट। और नीडी पीपल नहीं चाहिए, हमको ग्रीडी पीपल चाहिए, समझ में आ रहा है, राइट। तो एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है। जो एम्बिशियस आदमी है ना, वो बोलेगा बताओ क्या है, जो भी करना है, ये किताब पढ़ो पढ़ेगा, ये मीटिंग में आओ आएगा, क्योंकि एम्बिशन है उसका, सही बात है, राइट। वो आगे जाने की, क्या हम बोलते हैं गुजराती में, धगस, दैट्स अ प्रॉपर वर्ड। तो वो होना बहुत जरूरी है। और दूसरा एस इज फॉर स्मार्ट, पीपल हैव टू बी स्मार्ट, राइट। दो तरह के आदमी होते हैं, स्मार्ट और ओवर स्मार्ट। कोई बुद्धू तो होता नहीं है, हर एक आदमी स्मार्ट होता है या ओवर स्मार्ट होता है, हमको ओवर स्मार्ट नहीं चाहिए, बस स्मार्ट चाहिए बस, नो। ओवर स्मार्ट क्या होता है, कुछ भी नहीं होता फिर भी दिखावा करेगा, मैं तो बहुत अच्छा हूं बस, मुझे कुछ जरूरत नहीं है, मैं जाऊं वहां प्यून भी होगा वो बोलता मैं प्यून MD का हूं। उसका भी स्टेटस होता है, कोई रेगुलर प्यून नहीं हूं मैं तो MD का प्यून हूं, सही बात। तो यू डोंट वॉन्ट फॉर दोज काइंड, यू नीड स्मार्ट। स्मार्ट पीपल डेफिनेशन इज दे विल एनालाइज एवरीथिंग, लिसन टू यू केयरफुली एंड देन मेक डिसीजंस। वो पहले से नहीं पूछेगा, सिर्फ कब मालूम पड़ता है आदमी स्मार्ट के नहीं, देखने से मालूम नहीं पड़ेगा, जैसे वो अपना मुंह खोलेगा मालूम पड़ जाएगा स्मार्ट है कि नहीं। स्मार्ट नहीं है तो पूछेगा क्या है पहले बताओ, पहले तुम बताओ क्या है तभी हम आगे बात करेंगे, वो स्मार्ट आदमी नहीं है, समझना वो ओवर स्मार्ट है। वो आगे जाएगा ही नहीं कभी। सी सम पीपल देखने से पहले ना बोलते, मिलते कहीं नहीं करना है, कुछ मालूम नहीं है, पर करना नहीं है बस। सही बात है, क्यों, अभी स्मार्ट आदमी होता है तो उसको पहले मालूम होना चाहिए कि मैं किस चीज के लिए ना बोल रहा हूं, उसको मालूम ही नहीं मैं किसके लिए ना बोल रहा हूं तो स्मार्ट कैसे हो सकता है, सही बात है, राइट। तो ऐसे आदमी से आगे बात करने में कोई मतलब ही नहीं है, उसको दूसरी नेटवर्क मार्केट के लिए छोड़ देने का, सही बात है कि नहीं। वी आर बिल्डिंग अ इलीट टीम, करेक्ट। सो दैट्स एस हो गया। और लास्ट एच, दे हैव टू बी हम्बल। हम्बल मीन्स नम्र, नम्रता होना बहुत जरूरी है। आदमी नम्र नहीं है तो सीख नहीं पाएगा, क्योंकि ये बिजनेस में सफल होने के लिए
गुरु शिष्य का रिलेशन होना बहुत जरूरी है, और आपकी आदमी हम्बल नहीं है तो वो किसी से सीखेगा नहीं, वो हमेशा समझेगा मुझे तो सब पता है, और जब तक कोई सीखेगा नहीं तब तक कौन सिखा सकेगा उसको। और जो इसमें जो स्किल चाहिए मेरे पास भी नहीं थी, इफ आई वॉज नॉट विलिंग टू लिसन एंड लर्न फ्रॉम क्रांति आई वुड हैव नेवर सक्सीडेड। बट अभी मैं हम्बल नहीं होता, मैंने बोला मैं तो वाइस प्रेसिडेंट हूं और एक क्रांति तो केमिस्ट है, PhD है, उसको क्या केमिकल मिलाता रहता है, उसको क्या पता चलेगा। ऐसा होता तो मैं कभी उसकी सुनता ही नहीं ना कि भाई ना मैंने तो MBA किया है, उसका तो कोई बिजनेस का नॉलेज ही नहीं है, राइट? सही बात। बट इफ आई एम नॉट हम्बल दैट्स व्हाट आई वुड बी थिंकिंग, राइट? और नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब तक तुमको कोई अच्छा कोच नहीं मिलेगा तो इसमें तुम कभी सफल नहीं हो सकते। कोच तो आपको मिल सकता है बट यू हैव टू बी हम्बल इनफ टू सरेंडर, राइट? कि भाई मुझे कुछ पता नहीं है, आप मुझे सिखाओ, अभी सही बात है कि नहीं, राइट? सी, ये बिजनेस को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा भाई नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। कई बार लोगों को ये बिजनेस में होने के बाद भी पता नहीं चलता कि बिजनेस है क्या। ये बिजनेस कोई प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, एक ठेला चाहिए बस, राइट? उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, सही बात है, राइट? दिस इज अबाउट डुप्लीकेशन और एनी बिजनेस फॉर दैट मैटर, इट्स बेस्ड ऑन अ टाइम कंपाउंडिंग। अभी ये इंडस्ट्रियल एज से यही प्रिंसिपल सब बिजनेस चलते हैं। आप कोई भी कंपनी देखो, कंपनी में 100 एम्प्लॉइज है, राइट? एक ने शुरू किया होगा, ओनर है, अभी एप्पल भी है, स्टीव जॉब ने शुरू किया, राइट? उसके बाद में कुछ आदमी को उन्होंने सिलेक्ट करके अपनी टीम बनाई, राइट? इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग टीम्स, राइट? सो ही मस्ट हैव सिलेक्टेड प्रॉपर पीपल फॉर द टीम, राइट? उसने सिलेक्ट किया होगा सब, यू नो, अपना पूरा प्राइमरी कोर टीम बनाया उसने, राइट? तो वो सिलेक्ट किया होगा, राइट? बिरला, टाटा, एनी वन यू लुक एट, एवरी वन स्टार्ट बिजनेस लाइक दिस, इज अबाउट डुप्लीकेशन, सही बात है, राइट? क्योंकि टाइम इज मनी, आपने सुना है ना कभी, टाइम इज मनी, राइट? नाउ ओनली थिंग विच मेक्स मनी इज टाइम, रिमेंबर दिस, नथिंग एल्स मेक्स मनी एक्सेप्ट टाइम, राइट? अभी हम जब नौकरी करते हैं तो 24 घंटे है हमारे पास, राइट? हस्बैंड वाइफ 48, राइट? उससे ज्यादा नहीं है, राइट? तो उतना टाइम ही पैसा में कन्वर्ट हो सकता है, आवरली रेट अलग हो सकता है, बस एक घंटे का तुम कितना बना सकते हो वो अलग हो सकता है, बट नंबर ऑफ आवर्स कैन नॉट चेंज, राइट? अभी बिजनेस है तुम, मान लो कि 100 एम्प्लॉइज की है, राइट? तो अभी 100 एम्प्लॉइज है, हर एक एम्प्लॉई 10 घंटा काम करता है तो 1000 आवर्स हो गया ना, इसीलिए उसका बिजनेस इतना ज्यादा है। अभी वो 100 आदमी का टीम कैसे बना, तो जो बिजनेस है उसमें मनी देके वो टाइम खरीदा गया, सही बात है, राइट? बट टाइम इज व्हाट मेक्स मनी। अभी कंपनी में 1000 एम्प्लॉइज है, 10,000 एम्प्लॉइज है, मालूम पड़ा कैसे कंपनी कैसे बढ़ता है? इट्स ऑल अबाउट हाउ मेनी पीपल, सो रिमेंबर दिस, योर इनकम इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ आवर्स यू हैव इन अ गिवन डे विच मेक्स मनी फॉर यू। तो आपका इनकम इस पे डिपेंड करता है कि दिन में कितने घंटे आपके लिए इनकम में कन्वर्ट होते हैं। तो अभी अभी ये देश ने देखो नेटवर्क मार्केटिंग, कोई दूसरा नहीं है, पहले यू मेक अ टीम ऑफ 10 मान लो, और हर एक आदमी दिन का एक घंटा अपने बिजनेस में लगाता है, हा? तो आपके कितने 11 हो गए ना, आपका एक और दूसरे 10, राइट? अभी वो 10 ही आदमी का टीम अभी 100 का हो गया, अभी कितना घंटा हो गया, 101, सही? अपना एक तो है ना अभी, राइट? अभी जैसे तुम्हारा टीम बढ़ता गया, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते गए, इनकम बढ़ता गया, सही बात नहीं? अभी बिजनेस कम होता है व्हेन यू हैव अ बिग टीम ऑफ 300 प्लस पीपल, इज कॉल्ड बिग बिजनेस, राइट? तो ये बिजनेस बनाने के लिए पहले एम्प्लॉय बनना पड़ेगा, पर द पर्पज क्या है, टीम बनाने का। और एज जैसे मैंने बताया, योर बिजनेस इज एज गुड एज द टीम प्लेयर यू हैव, राइट? टीम
टीम प्लेयर से बनती है, सही बात है राइट। टीम प्लेयर अच्छे हैं तो टीम अच्छी बनेगी, टीम प्लेयर अच्छे नहीं है तो टीम अच्छी नहीं बनेगी, सही बात है नहीं। और अभी टीम में तुम देखो, क्रिकेट टीम में भी कोई प्लेयर अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे कि नहीं। तो आपके भी टीम में कोई एक आदमी है प्लेटिनम नहीं जा रहा है तो रिप्लेस करोगे कि नहीं, नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम डायमंड नहीं जाओगे। सेम प्रिंसिपल है, नौकरी में भी तुम परफॉर्मेंस करना बंद कर दो क्या होता है, देखो करना नहीं है चांस नहीं लेने का, सही बात है नहीं राइट। तो बट पहले से सिलेक्ट ही ऐसे करो कि रिप्लेस करने का मौका ही ना मिले, वो ही है जस्ट, दूसरा कुछ है ही नहीं इसमें। तो अभी हम देखते हैं क्वालिटी क्या देखते हैं, हैश पीपल। कॉन्वर्सेशन इज नथिंग बट फाइंडिंग आउट इज दिस अ हैश पर्सन, उसके लिए हम करते हैं। फिर थोड़ा फाइनल उनका क्वालिफिकेशन देखिए, पहला इंटरव्यू हो गया मान लो राइट, बाद में डिटेल क्वालिटी भी देखना पड़ेगा राइट। तो वो स्मार्ट, सो इन जनरल यू लुकिंग फॉर हैश स्मार्ट पीपल, रिमेंबर दिस, व्हाट इज स्मार्ट, एस सिंसियर, यू लुकिंग फॉर अ सिंसियर पीपल, कि वो सिंसियर है अपने काम में। सिंसियरिटी नहीं एक दिन मीटिंग में आता है एक दिन नहीं आता है, वो चेक नहीं के क्या कर दो, तो मीट एंड ग्रीट करोगे राइट, उसके बाद उसको बुक पढ़ने के लिए दोगे राइट। वो अभी हम ये किताब यूज कर रहे हैं, नहीं है तो ले लेना, 20 रॉबर्ट कियोसाकी का 21वीं सदी का व्यवसाय, यू नो ये क्यों देते हैं, तो पहले से उसमें टेस्ट हो जाता है आदमी सिंसियर है कि नहीं राइट। अभी किताब नहीं पढ़ता है उसका क्या मतलब है, सिंसियर नहीं है, वो पढ़े ना पढ़े उसका कोई अमना, तो टेस्ट हो रहा है बस। ऐसा नहीं भी उसे पढ़ने से उसका पूरा बदल जाएगा, आदमी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। सिंसियरिटी मालूम पड़ेगा उसका, तो भी आदमी सिंसियर है कि नहीं राइट। दूसरा क्या पता चलेगा, नेक्स्ट इज एम मोटिवेटेड होगा राइट, वरना तुम किताब दोगे दो हफ्ते के बाद भी बोला पढ़ा नहीं है मैं अभी, मोटिवेटेड नहीं है ना आदमी राइट, ये टेस्ट है दूसरा कुछ नहीं है राइट। पर ये नहीं दोगे तो ये टेस्ट कैसे होगा उसका, मालूम कैसे पड़ेगा, आदमी बोलोगे तो हाँ बोल देगा, तुम सिंसियर हो बोलेगा हाँ मैं सिंसियर, तुम मोटिवेटेड हाँ मैं, मालूम कैसे पड़ेगा सही बोलता है या गलत बोलता है, झूठ तो सब लोग बोल लेते हैं सही बात है कि नहीं राइट। तो हमको टेस्ट तो करना पड़ेगा राइट, तो ये टेस्ट है दूसरा कुछ नहीं है, तो मालूम पड़ेगा भी आदमी मोटिवेटेड है कि नहीं राइट। अभी भी जब मैं बुक देता हूं तो उसको बोलता हूं देखो मैंने तो 3 घंटे में पढ़ लिया था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड नो, नॉर्मली ऑन एवरेज मैं सब आदमी 2 और 3 दिन में तो पढ़ लेते हैं, इतना छोटा बुक है हा? आपको कितना टाइम लगेगा नहीं? अभी तो वो क्या बोलेगा नहीं? बोलेगा अभी वो बोलता है नहीं मैं तो 2 हफ्ता लगेगा, तो बोले भाई तो आप रेडी नहीं हो, जब तुम किसी की चीज वापिस लेते हो तो उसको ज्यादा चाहिए होता है कि नहीं राइट। तो बोलना भी अभी जब तुम रेडी हो 2-3 दिन में पढ़ने तब आना मेरे पास दूंगा मैं, अभी अभी ये मैं किसी और को दूंगा, जब आप किसी और को दोगे ना तो उसको ज्यादा चाहिए, सही बात है कि नहीं। तो वो ही रीजन है देने का, दूसरा कोई है नहीं रीजन। तो बाद में तो मालूम पड़ेगा आदमी मोटिवेटेड है कि नहीं, बाद में उसने 2-3 दिन में किताब पढ़ी या नहीं पढ़ी राइट, उसके बाद में मीटिंग सेट किया, मान लो कि उसने बोला अभी 2 दिन में मैं पढ़ लूंगा तो मैं एक्स्ट्रा 2 दिन उसमें डाल देता हूँ, तो बोला भाई चलो 4 दिन के बाद फिर मिलते हैं। फिर उसको असाइनमेंट देने का, उसमें से जो पढ़ते हो उसमें से कुछ नोट बनाओ, क्या व्हाट्स योर टेक अवे राइट, और कुछ क्वेश्चन है तो लिख के आओ, वो डिस्कस करेंगे अभी राइट। तो अभी क्या पता चलेगा अकाउंटेबल है कि नहीं आदमी, SMA राइट, ए इज अकाउंटेबल। उसने बोला मैं 2 दिन में पढ़ूंगा, वो रियली पढ़ा या नहीं पढ़ा राइट, क्योंकि अभी वो सिंसियर नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है राइट। तो ये पढ़ेगा भी नहीं ना, 2 दिन हो गया बाद में बोलेगा हाँ बट अभी मैं तो पढ़ा नहीं है, अभी अपने हमको जो जानना था वो जान लिया ना हमने, फिर भी अभी हम इसको स्पॉन्सर क्यों करेंगे बोलो। एक सवाल करने का, ये आदमी पे मेरे फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं दे सकता हूं कि नहीं राइट, वही सवाल अपने आप को करने का है हा? क्योंकि टाइम, वरना हमारा टाइम पहले क्या करोगे, किसी को तुम स्पॉन्सर करते हो तो कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो तुम्हारा राइट, तो यू मेकिंग अ इन्वेस्टमेंट, अभी रिटर्न नहीं आएगा तो इन्वेस्टमेंट तो गया ना हमारा हा? तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना चाहिए ना कि इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि नहीं, करने के बाद सोचने का क्या फर्क है हा? तो ये यही है।
मान लो कि आप 10-15 आदमी से बात करो, एक भी अच्छा मिलता है ना, तो वो आदमी 2 साल में प्लेटिनम जाएगा। तो तुम्हारा इन्वेस्ट करने वाला टाइम वर्थ है, समझ में आ रहा है? तो एक SMA हो गया, आर मीन्स रिलायबल, आदमी रिलायबल है कि नहीं, वो भी पता चल जाएगा ना। देखो एक ही स्टेप में कितना पता चल रहा है, समझ रहे? वही रीजन है, दूसरा कोई रीजन नहीं है। ऐसा नहीं भी एक किताब में इतना मैजिक है पढ़ के आदमी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचने का है, सही बात है, राइट? तो रिलायबल एंड द लास्ट थिंग इज टीचेबल। उसको आपने बताया भी इसमें से नोट बनाने का, क्या क्या अच्छा लगा उसमें से, कुछ क्वेश्चन है तो करने का। अभी उसने कुछ नोट नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, उसने क्या मतलब है, ही नोज एवरीथिंग, वो टीचेबल नहीं है। तो दिस इज वॉट वी लुकिंग फॉर, द होल प्रोसेस इज टू डिजाइन टू फाइंड है स्मार्ट पीपल, रिमेंबर दिस। पता चल रहा है सबको? जब वो मीट एंड ग्रीट हो गया, सेकंड हो गया, बाद में आपको पता चला, बाद में फिर भी दोबारा टेस्ट, एक बार तो कोई आदमी गलती से पास हो गया, अभी उसको थोड़ा ज्यादा लेके जाने का, इसीलिए हम उसको बोर्ड प्लान में बताएंगे। ओपन मीटिंग जो जहां प्लान दिखाते हैं, हम अभी उसको बोर्ड प्लान बोलते हैं, राइट? तो उसमें बताए, राइट? उसको उसने बोला भाई इतने टाइम पे आने का है, ये टाइम होगा यहाँ पे आने का, ऐसा ड्रेस पहन के आने का, जो अच्छा कपड़े पहन के आने का, राइट? सही बात। वो जब टेस्ट करने के लिए है कि भी आदमी आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो उसका क्या मतलब है कि भी रिलायबल नहीं है। पहले तो कहीं से कुछ पास हो गया, बट सेकंड एग्जाम में खत्म हो गया वो, सही बात है, राइट? तो फिर उसमें आया, प्लान देखा सब, राइट? उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप करते हैं, फॉलोअप करते हैं उसका, राइट? सो फॉलोअप में उसको बोलेंगे कि भाई ये करना पड़ेगा, तो हम बोलते हैं कि भाई डेली क्या क्या करना पड़ेगा, वीकली क्या करना पड़ेगा, तो हम बोले कि हर रोज तुमको कुछ 10-15 मिनट पढ़ना पड़ेगा, एक सीडी सुनना पड़ेगा, राइट? महीने में इतना वॉल्यूम करना पड़ेगा, सही बात? वरना क्या मतलब है? टीम बहुत बड़ा है, बस जीरो वॉल्यूम है तो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, राइट? उसमें कोई रिटर्न तो आता ही नहीं हमारा, राइट? वॉल्यूम नहीं होगा तो टीम का क्या मतलब है? क्रिकेट टीम अच्छा बना बट एक भी रन नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ा, राइट? वही है, तो वो तो जरूरी है, राइट? तो वो फॉलोअप वन में हमने ये सब बता दिया उनको, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, आप रेडी हो उसके लिए, राइट? तो बाद में रियली पता चल गया ये आदमी सिंसियर है, मोटिवेटेड है कि नहीं, राइट? अकाउंटेबल है कि नहीं, पता चल गया। उसके बाद में उसको दोबारा प्लान देखने के लिए बुलाते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जब पहली बार आप देखते हो ना प्लान, तो आपको कुछ किसी को समझ में आया था पहली बार देखा था, किसी को आया होगा बताओगे तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्यों नहीं पता चला, मुझे भी 2-3 बार लगा था समझने में, राइट? क्योंकि पहली दफा कुछ ध्यान में नहीं आता, दोबारा जब आदमी देखेगा ना तो उसको रियली मालूम पड़ेगा पैसे कैसे होते हैं। उसको पहला ये मालूम हो जाएगा कि भी ये प्लान में, जब प्लान तो है बट उसमें 100 PV निकाल दो तो कोई इनकम नहीं है। बाद में उसको वो अपने आप दोबारा देखेगा, मालूम पड़ेगा कि 100 PV का क्या मतलब है। बाद में उसको कभी सिखाना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं, सही बात है। फिर उसके बाद भी दूसरा फॉलोअप करते हैं, तो उसमें हमको बताते कि इतना खर्चा होगा, सेंडिंग ऑर्डर का इतना होगा, फंक्शन का, हर हफ्ते जो ओपन मीटिंग में आओगे तो उसका इतना होगा, राइट? तो महीने में 1000-1500 कितना होता है, इतना आता है ना रफली, तो उसको बताने का भी आप रेडी हो इसके लिए। वो रेडी नहीं है तो मालूम है कि उसके बिना वो सफल तो हो नहीं सकता, वॉलंटरी है, उसको किसी को फोर्स नहीं कर सकते, राइट? पर तुम कॉलेज में जाते हो, किताब नहीं खरोगे तो क्या होगा, किताब तो खरीदनी पड़ेगी ना, राइट? और वो भी तुमको बताना पड़ेगा अभी कि स्कूल में आ तो किताब खरीदो, तो मालूम है करना पड़ेगा, राइट? अभी वो खर्चा नहीं कर सकते तो आप कॉलेज में जाओगे, कोई मतलब ही नहीं है ना। अभी हम सबको मालूम है कि भी ये कुछ एजुकेशन के बिना तो कुछ होने वाला है नहीं, राइट? दिस बिजनेस डुप्लीकेशन ओनली वर्क्स बेस्ड ऑन टीचिंग, राइट? जब नॉलेज आएगा तभी प्रोग्रेस होगा, नॉलेज के बिना कुछ है नहीं, और नॉलेज हमारे में नहीं है, मालूम है ना, नॉलेज कहीं और है। जब तक नया नॉलेज नहीं आएगा, अपना डिसीजन तो बदलेगा नहीं ना, सही बात है, नहीं? और हम सबको मालूम है कोई आदमी सिस्टम से जुड़ेगा नहीं, अपलाइन को फॉलो नहीं करेगा, ये सब वीकली मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, BBS नहीं जाएगा, फंक्शन नहीं जाएगा, तो उसका ग्रोथ होने वाला नहीं, हमको सबको मालूम है ना, राइट? तो हम वो किसी को पहले नहीं बताते,
किसी भी तरह साइन अप कर लो बस। फिर ऐसा करते हैं, पहले क्या था कि किसी को किसी भी तरह स्पॉन्सर करके फंक्शन में बिठा दो, फिर डायमंड लोग सब उसको बात कर देंगे हमारे लिए। सही बात नहीं? तो उसमें क्या होता है, ट्रस्ट ब्रेक होता है। जब ट्रस्ट ब्रेक होता है ना, क्योंकि आदमी को कोई भी सिंसियर आदमी आएगा ना तो वो सोचने लगे कि हमको ये सब पहले क्यों नहीं बताया, राइट? तो द मेन रीजन क्या है कि जैसे तुम ट्रांसपेरेंट ज्यादा रहोगे ना, तुम उसका वैल्यू उसको ज्यादा लगेगा। और हम जैसे जिस तरह उनको बिजनेस में लाते हैं उससे हमारा बिजनेस का वैल्यू कम हो जाता है, उनको जो 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 है मालूम नहीं होता। क्योंकि कब तुम किसको कन्विंस करके प्रेशर करके कब लाना पड़ता है, जब हमारी चीज में हमको भरोसा नहीं होता। सही बात है, राइट? जब हमको भरोसा नहीं है हमारे में, राइट? और जब किसका वैल्यू नहीं है तो वो अप्रिशिएट नहीं करेगा। विदाउट अप्रिशिएशन देयर इज नो एक्टिवेशन, रिमेंबर दिस। जब तक ये प्रोस्पेक्ट अप्रिशिएट नहीं करेगा उसको क्या मिल रहा है, तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा। काम कब करने लगेगा, जब उसको उसकी वैल्यू मालूम है। एक दो फंक्शन में आने के बाद उसको वैल्यू समझ में आता है, राइट? बट तब तक क्या होता है, फंक्शन में आने के पहले कई लोग छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि जब फिर आप उसको स्पॉन्सर कर दिया, बाद में आप सोचोगे कि भी अभी इसको स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए कैसे बताऊं, राइट? दो तीन महीना तो इसमें निकल जाता है। और इसलिए नहीं बताते कि बोलेगा तो वो छोड़ देगा, पर रहेगा भी जीरो वॉल्यूम करेगा तो फायदा क्या है, राइट? और अच्छा है कि पहले बता दो, उसको नहीं करना है तो सबसे अच्छी बात है। जो आदमी मुझे पहली दफा ना बोलता है ना, उसका मैं ज्यादा थैंक यू करता हूं। और जो आदमी एक साल रह के छोड़ता है ना, उसने पहले दिन ना बोला तो कितना फायदा होता मेरा, वो ही तरह सोचने का है। अभी आपने आपको मैं कोई एक्सपेंसिव डायमंड दिया, पर आपको मालूम नहीं है डायमंड है, राइट? अरे ले ले ले, बहुत अच्छा है, ले ले ले, तो आपको भी मालूम नहीं होगा रियल डायमंड होता है, कोई ऐसे कोई थोड़ा देता है। सही बात नहीं, राइट? तो आप उसको मोएंगे तो वो कांच है पूरा, यू नो, राइट? तो आप घर में कहीं भी रखोगे, बच्चे लोग खेलेंगे भी उससे, उसका कोई फिक्र नहीं तुमको। जब मालूम पड़ेगा अरे तो रियल डायमंड है, लॉकर में रख दोगे। सही बात है कि नहीं? तो ये बिजनेस जब देते हो ना तो उसका वैल्यू दिखाते दो। प्रोसेस इज नथिंग बट डूइंग दिस। जब उसको उसका वैल्यू रहेगा ना तो उसका वो टेक केयर करेगा, उसके लिए काम करेगा। हा? उसको मालूम है कि बहुत एक्सपेंसिव चीज है। बट हम बिजनेस ऐसे बताते थे अब तक, कोई गलत नहीं था, वो भी सही था। हमारा कैलकुलेशन थोड़ा अलग था कि भी आदमी एक बार आ जाए उसको वैल्यू समझ में आ जाएगा, बाद में करेगा वो। उसमें क्या हुआ कि ज्यादातर नेगेटिव ज्यादा हो जाता है। और क्वालिफाइड आदमी तो जैसे हम लाते थे ना, वो कभी आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको जब तक मालूम ही नहीं वैल्यू क्या है, उसको तो ऐसा ही लगे तुम जैसे प्लान दिखाओगे किसी को उसके लिए वो है। अभी तुम दो तीन प्रोडक्ट लेकर उसका डेमो किया, अच्छा है, कोई भी आदमी बोला भी ये मैं अभी मेरा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं पहली दफा प्लान देखने गया था ना तो लता जी ने सब डेमो किया था, उसी हिसाब से मैंने मीना को बोला था ये मुझे नहीं करना है। मतलब मैं वीपी हूं बैंक का, मैं कहां जाके सू पॉलिश लगाऊंगा हाथ में, सीरियसली। लकीली आई सर्वाइव्ड, राइट? तो मैंने बोला प्रोडक्ट अच्छी है मीना, तू ले ले। और बोलती है जो डिस्काउंट में मिलेगा तो मेंबर हो जाओ चलो, पर करने का कोई इरादा नहीं था मेरा, क्योंकि मुझे उसका इंप्रेशन ही पहले से गलत था। सही बात है कि नहीं, राइट? तो आज में शायद हिस्ट्री भी होता, यहां होता भी नहीं, राइट? बट फिर मीना ने फोर्स किया, नहीं देखो देखो कांति क्यों कर रहा है सोचो। तो मैंने फिर एक बार फंक्शन में जाता हूं, ये हो गया, वरना मैं भी आज एक्सपर्ट होता। तो तुम जैसे प्रेजेंटेशन करते हो उसके लिए वो है। सही बात है कि नहीं? जो आदमी नेगेटिव है उसका कोई रीजन नहीं है, उसका सब जिम्मेदार हम सब लोग है बस। जो भी नेगेटिविटी है हमारे तरफ से, तो हमको उसका जिम्मेदारी लेने का है। सही बात है कि नहीं, राइट? तो अभी आगे से ऐसा नहीं करने का है। तो पहले से जब तुम सिलेक्शन करते हो ना तो उसको वैल्यू लगता है, उसको लगता है कि ही अर्न द स्पॉट ऑन अ टीम, राइट? ऐसे उसको मुफ्त में नहीं मिला है, ही हैड टू गो टू अ सिलेक्शन प्रोसेस। जब तुम कई बड़ी कंपनियों में 5-6 इंटरव्यूज होते हैं, राइट? उसमें आदमी ज्यादा अप्लाई करते हैं,
जहां एक ही इंटरव्यू में आ जाओ वहां जल्दी नहीं जाएगा कोई, यार जाता है कोई? और इंटरव्यू के बिना नौकरी मिल जाए वो तो कोई कभी तुम सीरियसली लोगे नहीं, लोगे कभी हा? तो इसमें उसका वही है कि ये चीज का हम उनको दिखाने वाले हैं यहां से भी इसका बेनिफिट क्या है। समझ में आ रहा है प्रोसेस क्या है? कोई दूसरा कुछ नहीं है, सेम जो हम फोर बेसिक्स करते थे वही फोर बेसिक्स है, बट उसमें सिलेक्शन प्रोसेस हमने लगा दिया है। समझ में आ रहा है सब? तो पहले आप सब लोग जब सो जो बिजनेस में हो, आप पहले अपने अप्लाइंस से प्रूव करो कि भी तुम्हारे में उसका टाइम इन्वेस्ट करना उनके लिए वर्थ है। कर सकते हो सब? तो आप जो आप पहले उसको प्रूव करो कि यू आर द है स्मार्ट पर्सन। कर सकते हो सब? राइट, सही बात है नहीं? राइट, अभी उसका बेनिफिट देखो। हमने अभी 6 महीने पहले 3 महीने से सीरियसली हमने करना शुरू किया है, उसके बाद में इफेक्ट जो है ना, हमारी टीम में जो यंग है 35 and under, दे आर एब्सोल्युटली एक्साइटेड अबाउट दिस। तो पहले हमारा लड़का ही 51 और उसका वो जॉब में बहुत, मेरा जो पोजीशन था उनसे भी बहुत आगे है वहां उनकी जॉब पे। ही इज करंटली अ डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस फॉर हिज ओन बिग कंपनी। उसके लिए इवन दो मालूम है कि बिजनेस अच्छा है, वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि डिमांड में नहीं आता भाई, बैग लेके कहीं के जाएगा और डेमो करेगा और उसके बाद में बोलेगा बिजनेस करो, उसके माइंड में नहीं घुस गया तुमने किया कैसे, वही सवाल मुझे पूछता रहा। अभी जैसे ये शुरू किया लास्ट मंथ, विद इन 3 months ही बिकेम प्लैटिनम। अभी उसका ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, अभी इसी प्रोसेस से सितंबर से वो एमरल्ड शुरू करेगा और 2 साल में डेफिनेटली डायमंड जाएगा। जैसे प्रभाव, उसके बाद में हमारी बेटी भी, उसको भी हमने प्रोसेस में लगाया। मेरी बेटी है मुझे मालूम है, फिर भी आई हैव टू कंफर्म। अभी वो 30 डे कोर रन हम करते हैं देखने के लिए स्टडी कैसे करता है। सी इज ऑन द 9th day ऑफ कोर रन टूडे। हर रोज मैसेज आता है, ये पढ़ा, ये सुना, ये किया। मैंने बोला तुमको भी जो मेरा टाइम चाहिए तो प्रूव करना पड़ेगा। सही बात है, क्यों? क्योंकि जो मैं जैसा करूंगा वैसा वो ही करेगी ना। क्योंकि मैं ये प्रोसेस नहीं करूंगा तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि उसको क्या करना है अभी। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत जरूरी है। द ओनली थिंग चेंजेस इज के सबको हम उसका वैल्यू पहले से दिखाते हैं कि कोचिंग का क्या मतलब है, उसमें उसको क्या मिलने वाला है। और कुछ मिलने के लिए पहले प्रूव करना पड़ता है अपने आप को, बस वही चीज है। आप कब सो कर सकते हो? तो ये जस्ट थोड़ा माइंड सेट चेंज करने का है, दूसरा कुछ नहीं है। सी, मिशन सेम है, मैसेज सेम है, मेथड थोड़ा अलग है बस। भाई ओरिजिनल मिशन तो वही है, हमको डायमंड जाने का है और फ्रीडम लेने का है, राइट? वही मिशन है हमारा। हाँ, पर इससे वो जल्दी होगा और जो भी टाइम हम वेस्ट करते थे वो वेस्ट नहीं होगा, बस वही है। समझना है कि टीम ऑफ 10 बनाने का है बस। ऐसे ऐसे 10 आदमी को सिलेक्ट करो कि ऐसे वो तुम बिजनेस करो या ना करो वो डेफिनेटली करेंगे, ऐसे आदमी को ढूंढो बस। हाँ, राइट, बाद में सब हो जाएगा। हाँ, तो आप सब लोग डायमंड जा सकते हो। तो गो डायमंड एंड कम ऑन स्टेज, आई नो यू कैन। गॉड ब्लेस।